हेलो गाइस, आई एम अमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आई एम डूइंग वेल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन शेक, मतलब जो मसल गेन के लिए काफ़ी अच्छा है, आपको वेट गेन के लिए हेल्पफुल है। सो अभी मैं बताता हूँ आपको आपको उसमें क्या क्या यूज़ करना है और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। सो गाइस, सबसे पहले आपको लेना है 1 गिलास दूध का, इतना बड़ा गिलास। तो सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें 1 गिलास दूध। अगर जिनको डाइजेशन वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो, मींस कि ज़्यादा भरा भरा लगे पेट, तो वो आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें 50 ग्राम ओट्स। ये मैंने किचन स्केल से मेज़र करे हैं, ये पूरे 50 ग्राम है। सो हम डाल देंगे इसको दूध के अंदर। 50 ग्राम ओट्स हमने डाल लिए और ये हैं 20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स। तो इसमें आलमंड्स हैं और काजू हैं, तो ये मैंने अभी मेज़र कर लिए हैं किचन स्केल से। तो 20 ग्राम हमने ये डाल दिए इसमें ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे इसमें एक केला, मतलब गेनिंग के लिए सबसे बढ़िया है ये, मसल गेन के लिए। आप इसको सुबह और शाम यानी वर्कआउट से बाद में और शाम को भी यूज़ कर सकते हो 2 टाइम, तो काफ़ी अच्छा मसल गेन हो जाएगा और वेट गेन हो जाएगा। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए। गाइस, शेक बन के रेडी हो चुका है। सो ये काफ़ी मतलब बेस्ट है यार, मतलब आपको मसल गेन कर लिए और वेट गेन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसमें बे ऐड करना चाहें तो आप 1 स्कूप इसमें बे ऐड कर सकते हो, तो ये है कि इससे जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मतलब एफोर्डेबल प्राइस में, कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कि बहुत महंगा पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो को आपको अपडेट मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।